Hello, 10th class. We are meeting after 3-4 days gap. आप लोगों को usually क्या excite करता है? Holiday? And you have got 2 days already. ठीक है? 2-3 दिन की आपको छुट्टी मिल चुकी है. Now gear up. You have to work really hard now. मैंने PTM पे जो आप लोगों की condition देखी है, वो ये है कि आप लोग ध्यान से वीडियो को पढ़ते ही नहीं हो. There are only certain specific students who are learning the video lectures daily, very attentively. Okay, so it is my humble request to all of you, please watch the lecture very carefully. We are working very hard for you, and all the efforts get wasted if you don't properly use our efforts. Okay, आप लोग अगर वैसे पढ़ना ही नहीं चाहते हो इतने ध्यान से, तो फिर हमारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे. इसलिए प्लीज अच्छे से लेक्चर को पढ़िए. लेक्चर को सुनने के बाद उसे बुक से खुद रीड कीजिए. एक बार पढ़ के तो देखो, ऐसे अपने आप इंटरेस्ट आएगा आपको चीजों में. अगर आप चीजों से दूर भागोगे तो इंटरेस्ट आएगा ही कैसे? ठीक है, मैं क्यों छोटे छोटे पार्ट्स में ये चैप्टर को करा रही हूँ? सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल. एकदम से आप पे 5-6 टॉपिक का बर्डन ना आए, और आप ऐसा ना हो कि उसको करने के चक्कर में, आप जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप समझ ही ना पाओ. वी आर डेली स्टडिंग ओनली 1-2 टॉपिक्स, एंड देन ऑल्सो यू आर नॉट स्टडिंग द वीडियो लेक्चर केयरफुली. दिस इज नॉट वेरी सैटिस्फाइंग एक्चुअली. सो आई होप फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल वॉच द लेक्चर वेरी केयरफुली. So now we will start our today's class. What we have learnt in the previous classes is that we were concentrating on the issue of formation of nation states. यूरोप में जितने भी empires, जितने भी kingdoms rule कर रहे थे, उनके rule को हटा के citizens क्या चाहते थे? Nation states. They wanted a country, a unified country. कंट्री किसकी होती है? उन लोगों की जिनका शेयर्ड कल्चर होता है, एक शेयर्ड हिस्ट्री होती है, शेयर्ड हेरिटेज होता है. ठीक है, अब हमने इससे पहले देखा था व्हाट वर द डिफरेंट कंडीशंस दैट वर प्रिवेलिंग इन यूरोप. यूरोप में क्या कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी? ठीक है, सबसे पहले हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस किया था कि यूरोप का जो पूरा नेशनलिज्म था वो कहां से शुरू हुआ. सबसे पहली चिंगारी कहां से मिली उसे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड ऑल द ड्रिवन पावर्स फॉर ड्राइविंग ऑल अदर नेशंस टुवर्ड्स नेशनल यूनिफिकेशन. फ्रांस ने ही अकेले वो जिम्मा उठाया था. जब फ्रांस का जो स्ट्रगल था उसको देख के बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी ये मोटिवेशन आया था दैट वी शुड फाइट फॉर आवर नेशनल यूनिफिकेशन. हमें अपने देश को बनाने के लिए एक लड़ाई लड़नी चाहिए. ठीक है, फ्रांस की बात हमने कर ली. उसके बाद हमने देखा व्हाट वाज लिबरलिज्म. ठीक है, फर्स्ट क्लास जो थी एरिस्टोक्रेट्स एंड हायर क्लास, वो कौन होते थे? क्लर्जीज, नोबिलिटी. ओके, द हायर किंग क्वींस, दे वर नोन एज एरिस्टोक्रेट्स. वो तो अपना सुप्रीम पावर चाहते थे. एक तरफ थे बेसिक पीजेंट्स, द पुअर पीजेंट्स, जिनके पास खुद का लैंड नहीं था. दे वर लैंडलेस, दे वर नॉट हैविंग एनी राइट, दे वर प्रेशराइज अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस. यानी कि उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था. ठीक है, हमने वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप का डिवीजन भी देख लिया. फिर हमने देखा था कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म क्या था? जो किंग्स, क्वींस एंड ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे, ये अपना सुप्रीम रूल चाहते थे. लिबरलिज्म क्या था? फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, एंड व्हाट दे वांटेड? अ कॉन्स्टिट्यूशन टू बी रिटन एंड दैट शुड गवर्न द कंट्री. अब ये दो थॉट्स पैरेलल चल रहे थे. फिर एक इश्यू देखा हमने हंगर एंड हार्डशिप का, कि पूरे ही यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी. पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, उसके साथ साथ क्या हो रहा था? अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही थी.
क्योंकि जॉब्स तो उतनी ही रहती हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि देश की जनसंख्या ज्यादा हो गई तो वैकेंसीज भी ज्यादा हो गई, ऐसा नहीं हो पाता है। सो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रही थी, पीपल वर मूविंग फ्रॉम सिटीज रूरल एरियाज टू सिटीज इन द सर्च ऑफ द वर्क, वहां पे भी काम नहीं मिल रहा था, दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड देयर बेसिक फूड, ठीक है। तो इससे भी लोग रेवोल्यूशन कर रहे थे दैट व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ किंग और क्वीन यू आर इफ यू आर नॉट एबल टू गिव अस फूड, अगर आप अपनी प्रजा को खाना नहीं दे सकते हो तो आप कैसे राजा हो, ठीक है। तो पीपल उसके लिए भी रेवोल्यूशन कर रहे थे, और साथ साथ कौन सा रेवोल्यूशन चल रहा था, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। लिबरल्स थे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस पॉइंट, हु वर लिबरल्स, लिबरल्स वर द एजुकेटेड मिडिल क्लास दैट केम इन द सेंटर बिटवीन एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्स, दे कंसिस्टेड ऑफ टीचर्स, लेक्चरर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, एवरीवन कंप्राइज्ड एंड कंस्टिट्यूटेड व्हिच फॉर्म लिबरल्स। अब ये लिबरल्स भी अपना एक रेवोल्यूशन पैरेलल चला रहे थे, ये क्या चाहते थे, अच्छा जो भूखे लोग थे, जो पुअर पीजेंट्स थे, वो तो अपने लिए बेसिक फूड, बेसिक टेक केयर, बेसिक हाउसिंग, जॉब, ये चाहते थे। लिबरल्स के रेवोल्यूशन से लिबरल्स क्या चाहते थे, एक संविधान, राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे नेशन को गवर्न करे, ठीक है। दे वॉन्टेड बेसिक राइट्स फॉर सिटीजन, दे वॉन्टेड इकोनॉमिक लिबरलिज्म, दे वॉन्टेड पॉलिटिकल लिबरलिज्म, दिस वॉज द डिमांड ऑफ लिबरल्स रेवोल्यूशन। अब लिबरल्स रेवोल्यूशन में, अब ये ध्यान से सुनना, यहां तक मैंने आपको स्टोरी लाइन दे दी है सारी, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज है वो है टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, ठीक है। हमने रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स में एक टॉपिक पढ़ा, कैसे जर्मन पीपल जो थे उन्होंने सोच लिया था दैट वी वॉन्ट अ पर्टिकुलर नेशन, हमें हमारा देश बनाना है, उसके लिए क्या हुआ था, 831 इलेक्टेड पर्संस, 831 इलेक्टेड पर्संस, वो लोग एक साथ इकट्ठा हुए एट फ्रैंकफर्ट सिटी, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल द जर्मनी स्टेट्स, ऑल द जर्मन स्टेट्स कन्फाइंड टुगेदर एंड मेड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली, 831 लोग पूरे जर्मन स्टेट से एक साथ मिले और आके उन्होंने क्या कहा, वी आर द नेशनल असेंबली, वी विल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी वॉन्ट द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी रिटन, और वो कैसा संविधान चाहते थे, मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। मोनार्की का क्या मतलब होता है, कि कोई किंग या क्वीन रूल करेगा देश को, ठीक है। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, कि कोई इलेक्टेड पर्सन रूल करेगा, जिसको हम इलेक्ट करेंगे, जब वो कंट्री पे रूल करता है उसे बोला जाता है रिपब्लिक, और जब कोई किंग या क्वीन बाय हेरिडिटरी पोजिशन रूल करता है उसे बोला जाता है मोनार्की। तो वो क्या चाहते थे, कैसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उनका, मोनार्की बट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। इसका क्या मतलब है, कि देश का राजा तो एक किंग ही रहेगा, द सुप्रीम हेड ऑफ द कंट्री विल बी अ किंग, बट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट का है मतलब है कि उसकी पावर्स को चेक करने के लिए पार्लियामेंट रहेगी, किंग विल नॉट हैव ऑल द सुप्रीम पावर्स, राजा के पास सारी पावर्स नहीं होंगी कि वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सके, वो तो फिर एरिस्टोक्रेट्स कर ही रहे थे। सो व्हाट डिड द जर्मन पीपल वांटेड, अ मोनार्की, मोनार्कियल गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, इसका मतलब है राजा ही देश का शासक बने पर उसकी पावर्स को कौन चेक करेगा, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फ्रॉम द सिटीजन, ये उनकी मांग थी। इसके लिए वो चर्च ऑफ सेंट पॉल में मिले थे, आपने पिक्चर में देखा होगा, अगर मैंने आपको लेक्चर में कहा था वॉच द पिक्चर केयरफुल इन द एनसीईआरटी बुक, अगर आपने पिक्चर में देखा है, सो विमेन वर नॉट गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, औरतों को इस रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं, कि फ्रैंकफर्ट सिटी में जर्मन पीपल मिले, खुद को नेशनल असेंबली बताया, ये चर्च ऑफ सेंट पॉल में मिलके इन्होंने मीटिंग की थी। तो जब आप उस चर्च ऑफ सेंट पॉल की पिक्चर देखेंगे बुक में, तो विमेन आर स्टैंडिंग इन द गैलरी, उनको पोजीशन भी नहीं दी गई है बैठने के लिए,
ठीक है। तो जब रेवोल्यूशन में विमेन को बहुत इक्वल पार्ट नहीं मिलता था, सो विमेन क्या करती थी, वो अपना डिफरेंट स्ट्रगल चलाती थी, अपने डिफरेंट पॉलिटिकल क्लब्स ओपन करती थी, अपने न्यूज़पेपर, अपने मैगजीन्स को रन करती थी, ठीक है। आई होप अब तक की स्टोरी लाइन क्लियर है। अब हम देखेंगे, अब तक कंडीशंस पढ़ी हमने कि क्या क्या आइडियोलॉजी चल रही थी यूरोप में। लिबरलिज्म था, कंजर्वेटिज्म था, रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है। हमने गिसिप मजीनी के बारे में पढ़ा, ही वॉज अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी ऑफ इटली, ठीक है। हमने रेवोल्यूशन पढ़ लिए, कैसे कैसे हालात से रेवोल्यूशन आए। अब हमें पढ़ना क्या था, देश का बनना, नेशनल यूनिफिकेशन इन यूरोप। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट दो कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी एंड इटली। जर्मनी से स्टार्ट करेंगे। जर्मनी का केस जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, दैट पीपल गैदर्ड अप एट द फ्रैंकफर्ट सिटी इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, उन्होंने फ्रेडरिक विलहम, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, फ्रेडरिक विलहम को उन्होंने प्रपोजल दिया था, आप हमारे राजा बन जाइए, बट ही रिजेक्टेड द प्रपोजल। फ्रेडरिक विलहम वॉज प्रपोज फॉर द पोजिशन ऑफ किंग फॉर ऑल जर्मनी, बट ही रिजेक्टेड द प्रपोजल एंड ही जॉइंड हैंड्स विद द एरिस्टोक्रेसी। फ्रेडरिक विलहम को उन्होंने कहा जाके कि आप जर्मन के राजा बन जाइए जर्मनी के, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों की मांग को रिजेक्ट कर दिया और जो अदर किंग्स एंड क्वींस थे, एरिस्टोक्रेट्स जो क्लास थी, उनके साथ जाके मिल गए। जब वो उनके साथ जाके मिले तो उन्होंने लड़ाइयां शुरू कर दी, मिलिट्री की वजह से वॉर हुई और उन्होंने ये जो ऑल जर्मन असेंबली बनी थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इस असेंबली को तोड़ दिया कि ऐसी कोई असेंबली नहीं रहेगी। ये लोग जो लिबरल्स फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपनी असेंबली बना रहे थे, ये सारे लिबरल्स थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास, कंप्राइजिंग ऑफ टीचर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स एक्सेट्रा। ये पीजेंट्स की डिमांड पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि अगर ये लोग पीजेंट्स को साथ लेके चलते तो उनका सपोर्ट रहता, लेकिन इन्होंने क्या किया, दे वर नॉट कंसिडरिंग द इशू ऑफ पीजेंट्स एट ऑल। जब इन्होंने उनके इशू पे ध्यान ही नहीं दिया तो उन्होंने अपना सपोर्ट इनसे वापस ले लिया। पहले ही सपोर्ट कम हो गया, उसके बाद मिलिट्री आ गई, क्योंकि फ्रेडरिक विलहम ने एरिस्टोक्रेट से हैंड ज्वाइन कर लिया थे, उन्होंने सारी स्ट्रैटेजी बता दी जर्मन पीपल की, तो अब मिलिट्री ने आके इन्हें डिसबैंड कर दिया, यानी कि तोड़ दिया, ठीक है। अब जर्मनी के बारे में बात करते आगे। अब जर्मनी जो थी, हमने पहले बात की थी जर्मनी जो थी वो कितने स्टेट्स में डिवाइडेड थी, सोचिए बेटा। आई टोल्ड यू अबाउट द जर्मन कॉन्फेडरेशन। जर्मन कॉन्फेडरेशन को बनाया था नेपोलियन बोनापार्टे ने, ठीक है। और जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई 1815 में, तो हमने देखा था बहुत से स्टेट्स दूसरे स्टेट्स को दे दिए गए थे, जैसे बेल्जियम नीदरलैंड को दे दिया गया था, इन द नॉर्थ वेस्ट में पोलैंड रशिया को दे दिया गया, सैक्सोनी ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, है ना। लेकिन जर्मन कॉन्फेडरेशन था, मैंने आपको बताया था, उसको टच भी नहीं किया गया, उसका कोई भी स्टेट किसी और स्टेट को, एम्पायर को नहीं दिया गया। सो जर्मन कॉन्फेडरेशन कंसिस्टेड ऑफ 39 स्टेट्स इन टोटल। आई एम अगेन रिपीटिंग द पॉइंट, जर्मन कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है यूनिट, जब मिला के हम यूनिट बनाए, जैसे कि ये एक मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है, वी आर कंसिडरिंग दिस एज द थर्ड वन। अब ये तो अलग अलग है, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। व्हेन दे कंबाइन देम टुगेदर, दिस इज देयर ग्रुप और दिस इज देयर कॉन्फेडरेशन। आई होप यू रियलाइज व्हाट इज कॉन्फेडरेशन। सो द ऑल जर्मन कॉन्फेडरेशन कंसिस्टेड ऑफ 39 स्टेट्स इन टोटल, ओके। अब ये जो ऑल जर्मन कॉन्फेडरेशन थी, ये चाहती थी क्या, नेशनल यूनिफिकेशन। इनमें जो सबसे पावरफुल थे वो प्रूशिया के किंग थे, प्रूशिया के किंग बहुत पावरफुल थे। प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया वाज ऑटो वॉन बिस्मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई कैन आस्क यू इन द एमसीक्यू, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया,
ओटो वॉन बिस्मार्क वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया। अब जो ये स्ट्रगल कर रहे थे जर्मन पीपल, इनको दबा कौन रहा था? मिलिट्री, मैंने बात की एरिस्टोक्रेट्स एंड मिलिट्री वर सप्रेसिंग द रेवोल्यूशन ऑफ जर्मनी, वो देश बनने नहीं देना चाहते थे। सपोर्ट कौन कर रहा था? लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रूशिया, जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड होता है, उनकी हमेशा से चलती आई है प्रॉपर्टी, जिसके बाद ज्यादा होगी उसका सिक्का चलेगा। सो जो प्रूशिया के लार्ज लैंड ओनर्स थे उनको कहा जाता था जंकर्स। व्हाट वाज द नेम गिवन टू द लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रूशिया? जंकर्स। जो लार्ज लैंड ओनर्स थे उनको कहा जाता था जंकर्स। तो जंकर्स जो थे ये सपोर्ट कर रहे थे ऑल जर्मन असेंबली को, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत रिच पर्सन नहीं होते थे बट बहुत पुअर नहीं होते थे, तो उनको सपोर्ट कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर जो थे प्रूशिया के ऑटो वॉन बिस्मार्क, उन्होंने ये सारी स्ट्रैटेजी बनाई दैट हाउ वी विल यूनिफाई द जर्मनी, जर्मन स्टेट्स को एक करना, इन 39 स्टेट्स को एक नेशन में जोड़ने का काम जो था, इसकी स्ट्रैटेजी बनाई थी ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। इसलिए इनको कहा गया था आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। आर्किटेक्ट कौन होता है? जो बनाता है आइडिया, डिजाइन बनाता है। तो इन्होंने ही स्ट्रैटेजी प्लान की थी फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसलिए इन्हें बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि 7 सालों में इन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी विद द हेल्प ऑफ आर्मी। 3 वॉर्स वर फॉट ओवर 7 ईयर्स। 7 सालों में कितनी लड़ाइयां लड़ी गई? 3 मेजर वॉर्स वर फॉट इन 7 ईयर्स। किस किस के साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ठीक है, जो ये प्रूशिया था, प्रूशिया की लड़ाई की बात हो रही है, प्रूशिया ने इनिशिएटिव लिया है सारा कि ऑल जर्मन स्टेट्स विल गेट यूनाइटेड। तो प्रूशिया ने 3 वॉर्स लड़ी मेजरली ओवर 7 ईयर्स। किस किस के साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। इन तीनों ही लड़ाइयों का रिजल्ट क्या निकला? प्रूशिया जीत गया। लेनिनग्राड विक्ट्री। प्रूशिया वॉन ऑल द 3 वॉर्स। जीत गया प्रूशिया। जीतने के बाद अब वो चाहते क्या थे? ऑल जर्मन यूनिफिकेशन। तो 18 जनवरी 1871 को सारे जितने भी प्रिंस थे जर्मन स्टेट्स के, 39 स्टेट्स थे तो 39 प्रिंसेस थे, वहां के जो मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेसी जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं, जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या है, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, तो ये सारे मिलके जो प्रिंसेस थे वो मिलके चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये सब लोग कहां इकट्ठा हुए? आफ्टर द विक्ट्री, जीतने के बाद 1871 में कहां इकट्ठा हुए? ये हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सलेस। एंड हॉल ऑफ मिरर एट वर्सलेस पे जुड़ने के बाद, वहां मिलने के बाद, इन्होंने फाइनली जर्मनी को यूनिफाइड डिक्लेयर कर दिया। और किंग किसको बना दिया? पूरी जर्मनी का। अब 39 स्टेट्स नहीं है, अब एक सिंगल नेशन है जिसका नाम है जर्मनी। और उस जर्मनी का किंग किसको बनाया गया? केसर विलियम वन। और ये केसर विलियम वन कहाँ के राजा थे? प्रूशिया के। अब आप कहोगे प्रूशिया के राजा को जर्मनी की किंग क्यों बनाया? क्योंकि जो प्रोसेस था पूरे यूनिफिकेशन का, उसको इनिशिएट किसने किया? प्रूशिया ने। सारी स्ट्रैटेजी किसकी थी? प्रूशिया की। सो द प्रूशिया किंग, प्रूशिया के किंग थे केसर विलियम वन, ही वॉज डिक्लेयर्ड एज द किंग ऑफ द नेशन जर्मनी। बधाई हो, जर्मनी एक देश बन चुका है। कैसे बना है ध्यान से देखो, जो लिबरल्स थे उनका रेवोल्यूशन सप्रेस कर दिया गया था बाय द मिलिट्री, उसके बाद उनको सपोर्ट किसने किया? लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रूशिया। प्रूशिया ने इनिशिएटिव लिया कि जर्मनी देश बनेगा। प्रूशिया ने 3 लड़ाइयां लड़ी 7 सालों में विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तीनों में ही प्रूशिया जीत गया। जीतने के बाद 1871 में ऑल द प्रिंसेस, ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर्मी, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, दे गैदर्ड अप वेयर एट द हॉल ऑफ मिरर्स। ठीक है, एक हॉल होगा उनका, कोई पर्टिकुलर प्लेस है, हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सलेस। वर्सलेस इज अ सिटी
हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सेलेस पे जुड़े हैं, वहां पे उन्होंने राजा बनाया किसको, केसर विलियम वन, ही वाज द किंग ऑफ प्रूशिया। एंड व्हाई द केसर विलियम वन वाज डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ जर्मनी, बिकॉज प्रूशिया टुक ऑल द इनिशिएटिव ऑफ यूनिफिकेशन। जर्मनी को जोड़ने का काम शुरू ही प्रूशिया ने किया था और सारी वॉर्स प्रूशिया ने ही जीती। ठीक है, अब पूरी जर्मनी बनने के बाद काफी चेंजेस किए उन्होंने, करेंसी में चेंजेस कर दिए, जैसे कि पहले 39 स्टेट्स थे तो डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट करेंसीज होती थी, जैसे इंडिया का रुपी है ना, तो वैसे ही डिफरेंट करेंसीज को उन्होंने चेंज किया, सिंगल करेंसी में बदला, डिफरेंट बैंकिंग के सिस्टम्स उन्होंने चेंज किए, लॉज चेंज किए, जुडिशियल सिस्टम चेंज किया। दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मनी बन चुका है। ठीक है, एक बार ध्यान से इन पॉइंट्स को पढ़ो बेटा, क्या क्या पॉइंट्स मैंने ऑर्डर वाइज आपको जर्मन यूनिफिकेशन में दिए हैं, अगर कोई डाउट आ रहा है तो लिखो। इसके बाद इटली का यूनिफिकेशन और पढ़ेंगे, फिर आज का लेक्चर खत्म है। प्लीज रीड ऑल दीज पॉइंट्स। I hope the German unification is clear to you. Next topic पे चलते हैं, इटली पे। Let me rub this for you. ओके, अब नेक्स्ट नेशन जिसकी यूनिफिकेशन की हम बात करेंगे वो है इटली। इटली भी बहुत सारे किंगडम्स एंड रीजन्स में डिवाइडेड था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ जर्मनी ही डिवाइडेड था, बट जर्मनी में स्टेट्स बहुत ज्यादा थे, 39। इटली वॉज डिवाइडेड इन 7 स्टेट्स ड्यूरिंग द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी मतलब 1840s, 50s, 60s, ये जो टाइम था। इटली कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था? 7 स्टेट्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू, मैं आपसे पूछ लूंगी इन हाउ मेनी स्टेट्स वॉज इटली डिवाइडेड बिफोर द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। एक होने से पहले इटली कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था? 7 स्टेट्स। 7 स्टेट में से एक स्टेट का नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्डिनिया पिडमोंट। सार्डिनिया पिडमोंट वॉज द ओनली स्टेट ऑफ इटली। इन 7 स्टेट्स में से अकेला सार्डिनिया पिडमोंट एक ऐसा स्टेट था जिसको एक इटली की प्रिंसली रूल से चलाया जा रहा, बाकी जगह दूसरे एम्पायर्स के राजा थे। राज्य इटली का था लेकिन उनको राज कौन कर रहा था? डिफरेंट किंग्स एंड क्वींस, डिफरेंट एम्पायर्स, इटली के राजा में राज नहीं कर रहे थे। ओनली सिंगल स्टेट सार्डिनिया पिडमोंट वॉज द ओनली स्टेट जिसको इटली के राजा रूल कर रहे थे। इन राजा का नाम था विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ध्यान से पढ़ लेना, हु वॉज द रूलर ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ठीक है, हु वॉज द किंग ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ही वॉज द ओनली इटालियन प्रिंस हु वॉज रूलिंग द वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ 7 इटली स्टेट्स। बाकी की राज्यों में कौन रूल कर रहा था? ध्यान से देखो, नॉर्थ का जो पार्ट था, इन द नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर वॉज रूलिंग।
हमने बात की थी हैब्सबर्ग एम्पायर कहाँ कहाँ रूल कर रहा था, ऑस्ट्रियन हंगरी, ठीक है। तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर नॉर्दर्न इटली पे भी रूल कर रहा था, सेंटर पे रूल था पोप का एंड साउथ में रूल था बॉर्बोन किंग्स ऑफ स्पेन। ये डिफरेंट एम्पायर्स हैं, डिफरेंट किंगडम्स हैं जो कि इटली के राज्यों पे राज कर रहे थे। दीज आर डिफरेंट एम्पायर्स एंड किंगडम्स हु वर रूलिंग ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इटली। इटली सात राज्यों में डिवाइडेड था, सिर्फ एक राज्य था सार्डिनिया पिडमोंट जो कि इटली के राजा चला रहे थे, इटली के प्रिंस रूल कर रहे थे। बाकी के जितने भी रीजन थे दे वर अंडर डिफरेंट एम्पायर्स एंड किंगडम्स। नॉर्थ वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंट्रल इटली वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोप, साउदर्न इटली वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ बोरबोन किंग्स ऑफ स्पेन। ये की हिस्ट्री है। अब प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा? प्रोसेस में हमने देखा था कि गिसेप मज़िनी, ही वाज अ रिवोल्यूशनरी ऑफ इटली, उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इटली, ताकि सारे रिवोल्यूशनरीज मिलके एक नेशनल यूनिफिकेशन का रिवोल्यूशन प्रोसेस कैरी ऑन करें और देश को एकत्रित बनाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाया था? नहीं। द गिसेप मज़िनीज एफर्ट्स इन 1831 एंड 1848 वर फेल्ड। 1831 में भी रिवोल्यूशनरीज ने ट्राई किया था, हम राइटिंग हियर 1831 रिवोल्यूशन एंड 1848 रिवोल्यूशन, दोनों ही टाइम इटली के रिवोल्यूशनरीज एंड यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी ट्राइड फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन बट दे फेल्ड, ठीक है। अब एक चीफ मिनिस्टर थे इटली के, हिज नेम वॉज केवर, चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट, व्हाट वॉज हिज नेम, केवर। केवर की हेल्प से, अब केवर की हेल्प से हम लोग इटली का यूनिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। केवर जो थे ये भी एजुकेटेड मिडिल क्लास से थे, वेल्दी थे, इनके पास पैसा था, पढ़े लिखे थे। अब ना तो ये रेवोल्यूशनरी थे, ये चाहते थे दंगा फसाद करके सब खत्म करो, ना ही ये डेमोक्रेट थे कि बैठे रहो अपने लिए रूल बनाओ, कोई मानेगा तो ठीक, नहीं मानेगा तो ठीक, ऐसा नहीं था। ये डिप्लोमेटिक थे, बातों से काम चलाते थे। इटली के थे ये, इटली के राज्य सार्डिनिया पिडमोंट के चीफ मिनिस्टर थे, बट इन्हें फ्रेंच भाषा ज्यादा अच्छे से आती थी। सो इस चीज का फायदा उठाते हुए, जैसे अगर मान लो मुझे किसी भी देश के साथ समझौता करना है, अगर मुझे वहां की भाषा बोलनी आती है तो ये मेरे लिए इजी हो जाएगा, आई विल बी एबल टू इजीली कन्विंस देम फॉर माय प्रपोजल। ऐसे ही जो केवर थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ केवर, चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट, ही न्यू फ्रेंच लैंग्वेज वेरी वेल और फ्रांस के साथ मिलके इन्होंने ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया था इन द नॉर्थ इन 1859। ध्यान से सुनो, केवल तो जो चीफ मिनिस्टर थे, ही वाज अ डिप्लोमैट, ये बैलेंस्ड होके चलते थे, ही वाज नॉट अ रिवोल्यूशनरी एंड नॉट अ डेमोक्रेट, ही वाज अ डिप्लोमैट। डिप्लोमैट यानी कि जो कि एक्सट्रीम पॉइंट्स डिसीजन नहीं लेते हैं, समझदारी से मीठी बातें करके काम चलाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपके बुराई भी ना करूं, अच्छाई भी ना करूं और आपसे काम निकलवा लूं, आई एम अ डिप्लोमैटिक पर्सन। सो केवर वाज अ डिप्लोमैट, ही न्यू फ्रेंच लैंग्वेज वेरी वेल। फ्रांस के साथ जुड़ के 1859 में उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया था, तो नॉर्थ पे इटली जुड़ गई। उसके बाद 1860 में सिर्फ कॉमन पीपल ही नहीं जुड़ रहे थे, अब इन्होंने सोचा वॉर करनी पड़ेगी, तो वॉर अंडर गरिबल्दी, गरिबल्दी, गिसेप गरिबल्दी इन 1860 अंडर द लीडरशिप ऑफ गिसेप गरिबल्दी, इट वाज द आर्मी मैन, उनके अंडर बहुत सारे आर्मी वॉलंटियर्स जुड़ गए एंड दे वर रेडी फॉर द वॉर, और इन्होंने वॉर लड़की 1860 में। ये जो स्पैनिश किंग्स थे इनको भी डिफीट कर दिया, ठीक है। ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं था कि ये 1850
फ्रांस के साथ मिलके जब हिटलर ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया हैब्सबर्ग एम्पायर को, तो सिर्फ कॉमन पीपल थे, उसके साथ साथ आर्मी के वॉलंटियर्स भी जुड़ गए थे। किसकी लीडरशिप में? गिसेप गरिबाल्दी बदली। एंड व्हाट ही डिड इन 1860, इन्होंने जो स्पेनिश किंग्स थे, जो स्पेन के किंग्स थे इन द साउथ, उनको भी हरा दिया। ठीक है, हरा दिया। अब डिफरेंट जगह पे इनका रूल होने लगा। तो 1861 में फाइनली क्या हुआ? इटली यूनिफाइड। When did Italy got unified? In 1861, Italy was unified. अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले कौन यूनिफाई हुआ, इटली या जर्मनी? इटली। जर्मनी कब यूनिफाई हुआ? 1871. 18 जनवरी 1871. पहले कौन यूनिफाई हुआ? इटली 1861. अब यहाँ के राजा कौन बनेंगे? Obviously विक्टर इमानुअल सेकेंड। क्यों? क्योंकि इकलौते ऐसे राजा थे जो इटालियन थे, सो इन्हीं को पीपल ने चूज किया फॉर बिकमिंग देयर किंग। विक्टर इमानुअल सेकंड वाज चोजन एज द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। जो एक नेशन बना था इटली का जोड़ के, उसका राजा बनाया गया विक्टर किंग इमानुअल सेकंड को। ठीक है, जो लोग थे इटली के, सेवन स्टेट्स के, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, देखो इलिटरेट, इतने भी पढ़े लिखे नहीं थे कि इन्हें लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। इन्होंने इटालिया जो वर्ड था, इटली के लिए जो वर्ड यूज हुआ इटालिया, वो भी कभी नहीं सुना था। ये तो डिफरेंट एम्पायर्स के रूल के अंडर जी रहे थे, इन्हें क्या पता नेशनल फीलिंग, नेशनल सेंटिमेंट। ठीक है, इनको तो अच्छी लीडरशिप मिल गई जिसके अंडर ये रेवोल्यूशन को जिता ही गए, वरना इन्हें लिबरलिज्म कंजर्वेटिज्म ऐसे कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं था। देवर मोस्टली इलिटरेट। और ये इटालिया जो था, ला इटालिया, ये पता है किसे समझते थे? इन्हें ये नहीं पता था कि इटालियन की कंट्री है, ये सोचते थे इटालिया विक्टर इमानुअल सेकंड की वाइफ है। इटालिया किसका नाम है? विक्टर इमानुअल सेकंड की वाइफ का, ऐसा सोचते थे इटली के पीपल। ओके, आई होप बोथ द प्रोसेस ऑफ इटली एंड जर्मन यूनिफिकेशन इज क्लियर टू यू। दोनों ही टॉपिक्स को बुक से पढ़ो, कल लाइव डाउट क्लास में भी डिस्कस करेंगे कोई भी डाउट्स होंगे तो, बट प्लीज वॉच द लेक्चर केयरफुली। हैव अ वेरी गुड डे।